हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो फेस पैक के बीच में कंपैरिजन रिव्यू वीडियो, जो कि है बायोटिक बायोफ्रूट वाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक, एंड सेकंड है वादी हर्बल चंदन केसर हल्दी फेस पैक फॉर फेयरर स्किन। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में से बेस्ट फेस पैक कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्राइसिंग की। तो बायोटिक का फेस पैक का प्राइस 199 रुपीज़ है, जिसमें आपको 75 ग्राम की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है, और वादी हर्बल फेस पैक का प्राइस है 105 रुपीज़, जिसमें आपको 120 ग्राम की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। अगर बात करें कि पैकेजिंग की, तो बायोटिक का फेस पैक जो है वो टब पैक में आता है और वादी हर्बल का फेस पैक ट्यूब पैक में आता है। ट्रेवलिंग के लिए दोनों ही नहीं सही हैं, क्योंकि दोनों काफ़ी बल्की हैं, तो आप इन्हें अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हैं। अगर इन दोनों ही फेस पैक ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो, आप इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट के क्लेम की। तो बायोटिक क्लेम करता है कि ये आपके फेस को वाइटन करता है और पिगमेंटेशन को हटाता है, और साथ ही साथ आपके फेस से पे जो टैनिंग हुई प्रॉब्लम है वो उसे भी रिमूव कर देता है। और वादी हर्बल फेस पैक जो है वो क्लेम करता है कि वो आपकी स्किन टोन को लाइट करता है, आपकी टैनिंग प्रॉब्लम से फाइट करता है, और साथ ही साथ आपके डार्क स्पॉट को फेड करता है और ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस कर देता है। अगर इनके क्लेम्स की बात की जाए, तो इनके क्लेम्स सही हैं, ये वर्क करते हैं, बट बायोटिक का फेस पैक जो है वो जल्दी वर्क करता है और वादी हर्बल फेस पैक को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर इनके यूजेस की बात की जाए, तो आप इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इन फेस पैक को डेली यूज़ कर सकते हैं, या फिर वीक में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों फेस पैक टीनेजर्स के लिए भी सेफ़ है, क्योंकि दोनों के जो इंग्रेडिएंट हैं वो आयुर्वेदिक हैं, तो आप भी इन्हें ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी बात करें, तो मैं इन दोनों ही फेस पैक को यूज़ करती हूँ, बट मोस्टली मैं नाइट में ही फेस पैक को अप्लाई करती हूँ, क्योंकि नाइट में जो इनका इफ़ेक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। बायोटिक का फेस पैक वादी हर्बल के फेस पैक से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपके फेस को फेयर एंड जो आपके फेस पे डार्क स्पॉट ब्लेमिशेस इन सभी की प्रॉब्लम है, वो उन्हें जल्दी रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। ओवरऑल ये दोनों ही फेस पैक बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें एक ट्राई दे सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, होप मेरा ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।